शहर में पार्किंग संचालक की गुंडागर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही। नो पार्किंग में खड़ी कार में मौजूद दंपति को पार्किंग कर्मी कार सहित क्रेन से उठा ले गए। घटना का शर्मनाक वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ तो हरकत में नोएडा ट्रैफिक पुलिस आई, क्रेन को सीज कर दिया गया। सेक्टर 49 कोतवाली पुलिस ने पार्किंग एजेंसी क्रेन के चालक सहायक के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार करने के बाद दो आरोपितों को जेल भेज दिया। बुधवार सुबह इंटरनेट मीडिया पर 42 सेकंड का ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में दिखाई दे सकता है कि एक लाल रंग की कार में कुछ लोग बैठे हैं, बावजूद इसके क्रेन चालक कार को खींच कर लेता जा रहा है। घटना के बाद नोएडा प्राधिकरण की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यातायात के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न सेक्टर में सरफेस पार्किंग का संचालन एजेंसी के माध्यम से कराया जाता है। सेक्टर 50 मार्केट के चारों ओर सरफेस पार्किंग का कार्य MG इंफ्रा सॉल्यूशन को आवंटित है। एजेंसी के क्रेन चालक और सहायक द्वारा सेक्टर 50 मार्केट में रोड पर खड़े वाहन जिसमें कार का चालक और परिवार बैठा था, कार को क्रेन से दो टो करके ले गए और सेक्टर 32 स्थित लॉजिक्स मॉल पार्किंग पर अवैध रूप से ले जाया गया। इससे नोएडा प्राधिकरण की छवि धूमिल हुई। एजेंसी को पूर्व में चेतावनी दी गई थी लेकिन उसके द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए लोगों के साथ दुर्व्यवहार और जबरन वसूली किए जाने की शिकायत मिलती रही। इस कारण MG इंफ्रा सॉल्यूशन और उनके क्रेन चालक सहायक के खिलाफ सेक्टर 49 कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई। नोएडा प्राधिकरण ने फर्म के ऊपर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाते हुए काली सूची में उसे डालने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं कोतवाली पुलिस का कहना है कि घटना मंगलवार दोपहर की है। कार के नंबर के आधार पर उसमें लोगों का पता लगाया जा रहा है।